Hello guys, this is Bachchan and you're welcome back to the BS Bachchan Singh. सो गाइज यहाँ पे है हमारे पास हॉनर 9 लाइट का बॉक्स। बॉक्स के अंदर की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर मोबाइल मिल जाता है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सिम इजेक्टर पिन आपको मिल जाती है, उसके साथ एक क्विक स्टार्ट गाइड और एक वारंटी कार्ड। और बॉक्स के अंदर की बाकी के कंटेंट की बात करें तो आपको एक कवर मिल जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि ये बैक से ग्लास डिजाइन वाला फ़ोन है। एक पावर अडेप्टर मिल जाता है आपको, चार्जिंग पावर अडेप्टर, और साथ ही साथ आपको एक USB केबल मिल जाती है, USB टू माइक्रो USB वाली। तो ये सब आपको जो है बॉक्स के अंदर के कंटेंट मिल जाते हैं। बाकी के मोबाइल की बात करें तो कुछ इस तरह से आपका स्मार्टफोन देखने में लगता है। आप देख सकते हैं कितना शाइनी है। यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले मिलेगा 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला, और बैक साइड से भी आपको जो है ग्लास मिलेगा जो कि कुछ तरह से शाइन करता है। बाकी के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 5.65 इंच के फुल HD प्लस डिस्प्ले है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का, और यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास आगे और पीछे। और बॉटम साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाता है, और एक माइक मिल जाता है, और एक स्पीकर मिल जाता है, और साथ ही साथ एक चार्जिंग पोर्ट। और राइट साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको एक पावर बटन मिल जाता है, साथ ही साथ में वॉल्यूम रॉकर, जबकि ऊपर की साइड आपको कुछ भी नहीं मिलता है। बाकी फ़ोन के डिस्प्ले की बात करें तो अमेजिंग डिस्प्ले है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी डिस्प्ले, क्योंकि ये फुल HD प्लस है, 2160x1080p डिस्प्ले है। और बैक साइड का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, यहाँ पे फिंगरप्रिंट है, डुअल कैमरा है, और नॉइस कैंसिलेशन माइक है, और साथ ही साथ एक आपको LED फ्लैश मिल जाती है। और फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको हॉनर की ब्रांडिंग मिलेगी नीचे की साइड में, टॉप में डबल कैमरा मिलेगा, एक ईयरपीस मिलेगा, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं डिस्प्ले किस तरह से है। बाकी के फ़ोन के अवार्ड सेक्शन में जाके हम देखते हैं, इसमें EMI का लेटेस्ट वर्जन है, साथ ही साथ Android 8.0 एकदम लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉइड का। ये 32GB वेरियंट है, जिसमें कि लगभग 23-24GB आपको जो है फ्री मिल जाती है। और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 32GB में से 22GB आपको जो है फ्री मिल जाती है, ये Android 8.0 का लेटेस्ट वर्जन पे, और साथ ही साथ EMUI का लेटेस्ट वर्जन पे जो है चलता है। एंड्रॉइड के सारे लेटेस्ट फीचर जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, डबल टैप रिसेंट पे आप ऐप में स्विच कर सकते हैं, साथ ही साथ इस तरह से स्प्लिट करके आप दो ऐप एक साथ यूज कर सकते हैं। तो सारे लेटेस्ट फीचर जो एंड्रॉइड में है वो आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं प्राइसिंग के हिसाब से बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है। इसमें जो है Kirin 650 का प्रोसेसर है जो कि हॉनर की तरफ से ही है, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे सेंसर्स हैं, जिसमें जायरोस्कोप सेंसर भी जो है ऑलरेडी है। और यहाँ पे बात करते हैं कैमरा की और इसके साथ साथ ही बाकी फीचर्स की। सबसे पहले कैमरा की बात करते हैं, देख सकते हैं आप इसका फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों में है, 13+2 का कैमरा है जो कि एक डुअल कैमरा यानी टोटल क्वाड कैमरा का ये स्मार्टफोन आता है। यहाँ पे अब कुछ सैंपल मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट मोड, वाइड एंगल मोड, सब आपको रियर कैमरा मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड, वाइड एंगल, और साथ ही साथ बोके और ब्यूटी मोड, ये सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाती है। यहाँ पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का भी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, मैं आपको धीरे धीरे आगे को बताऊंगा। यहाँ से रियर कैमरे से की गई एक कैप्चर की गई एक पिक आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लेटर दिखते हैं। और सेटिंग्स की बात करें तो ये फ्रंट कैमरा के सेटिंग है, पैनोरामा वीडियो, टाइम लैप्स से फिल्टर्स। और बाकी के सेटिंग की बात करूँ यहाँ पे रियर कैमरा की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो, प्रो फोटो और प्रो वीडियो भी है। यहाँ पे HDR, नाइट मोड, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आप प्रो वीडियो में जाते हैं तो आपको मैन्युअली अपने हिसाब से सब कुछ जो है सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सैंपल है, ये रियर कैमरा से खींची गई फोटो है जिसमें कोई भी ब्लर वगैरह नहीं है, ये है ब्लर के साथ पोर्ट्रेट मोड के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रियर कैमरा पोर्ट्रेट मोड के साथ, ये है फ्रंट कैमरा ब्यूटी प्लस बोके मोड के साथ, ये भी बोके मोड के साथ, ये विदाउट बोके नॉर्मल मोड पे, और इसके साथ साथ ये नॉर्मल मोड पे है रियर कैमरा। और ये रियर कैमरा आप देख सकते हैं किस तरह से डिटेल्स यहाँ पे नज़र आती हैं, और कलर एक्यूरेसी भी आप जो है चेक कर सकते हैं। कैमरा का फुल रिव्यू अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको फुल रिव्यू जल्दी से ला के दूँगा। सो हाय गाइस, दिस इज फ्रंट कैमरा ऑफ हॉनर 9 लाइट। आपकी इसकी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी दोनों का ही अंदाज़ा आ रहा होगा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसकी फ्रंट कैमरा की क्वालिटी कैसी है, साथ में ऑडियो की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल के लिए यूज करने वाला हूँ, आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। नाउ आई एम रिकॉर्डिंग विथ रियर कैमरा। रियर कैमरा में भी आप साउंड की क्वालिटी चेक कर सकते हैं किस प्रकार है।
सो जैसे कि आपने सैंपल्स देखे और वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो देखी, तो ये सब देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा आ गया होगा कैमरा के बारे में। लेकिन और जानना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इसका कैमरा रिव्यू, फुल कैमरा रिव्यू जो है आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट की, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट जो है काफ़ी फास्ट है। यहाँ पे टैप करते क्विकली जो है ओपन हो जाता है 0.03 सेकेंड के हिसाब से। यहाँ पे देख सकते हैं गूगल असिस्टेंट आपको मिलेगा, क्योंकि एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन पे है और ओरियो वर्जन पे है। उसके साथ साथ ही कई और फीचर हैं, जैसे कि किसी भी ऐप पे टैप एंड होल्ड करके यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली शॉर्टकट पे जा सकते हैं। जैसे कि मैं गैलरी पे गया तो सर्च फेवरेट यहाँ पे देख सकते हैं, कैमरा पे टैप एंड होल्ड किया तो यहाँ पे सेल्फी वीडियो और ये सारे ऑप्शन जो आपको फ्रंट में मिल जाते हैं, जो कि एंड्रॉयड नोगट के बाद जो है ये अवेलेबल थे। तो ये सारे फीचर्स आपको जो है इसमें मिलते हैं। और फोन जो है काफ़ी हल्का है, लाइट वेट है और स्लिम भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से हाथ में आ जाता है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी डील है। जबकि इसकी डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2160x1080p की डिस्प्ले है इसकी, जो कि FHD+ बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूइंग एंगल, आप किसी भी एंगल से देखते हो तो किस तरह से आपकी डिस्प्ले देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है। अगर आप मिड रेंज का कोई डिवाइस ख़रीदना चाहते हो तो ये आपके लिए हो सकता है बेस्ट डिवाइस, क्योंकि 11,000 रुपये में जो है आप इसको आसानी से परचेस कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा 64GB वाला वेरियंट जो है वो थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा, बट यहाँ पे मैं इसलिए 11,000 वाला मंगाई क्योंकि यहाँ पे ये जो है आपके लिए बजट स्मार्टफोन हो सकता है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय नाउ।